फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग फिर से टेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पास्ट टेंस के सारे टेंसेस कंप्लीट करेंगे। तो पास्ट टेंस में पहला टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जो सिंपल एक्शंस होते हैं, सिंपल एक्शन वो पास्ट में शो होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले लें तो जैसे था, थी, थे, या क्या बोलते हैं, आ, ई, इस तरीके से सेंटेंस में, जैसे उसने खाया पिया या वो पढ़ता था, इस तरीके से जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल पास्ट में आते हैं, ठीक है। इसका अफर्मेटिव रूल देखें, अफर्मेटिव फार्मूला में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब कौन सी होगी, वी टू होगी, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे ये एक ऐसा टेंस है, मतलब एक अकेला टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाकी आप 12 टेंस पढ़ेंगे जिसमें से इसको छोड़ करके बाकी जो 11 टेंस, उसमें कहीं भी किसी भी टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज मिलेगी। सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके अफर्मेटिव में और कहीं नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लें, आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो सब्जेक्ट जैसे सी रोट अ लेटर, ठीक है। तो सब्जेक्ट सी और वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आई सा यू यस्टरडे, आई सा यू यस्टरडे, तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, बी टू हो गया, सी का सेकंड फॉर्म सा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर सेंटेंस यस्टरडे, ठीक है, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। अब आते हैं नेगेटिव पे, नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज नॉट होता है, इसमें क्या होता है, डिड नॉट होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, तो फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर नेगेटिव में आ जाएंगे तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने यहाँ अफर्मेटिव में यूज किया था, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसी को ले लो, सी रोट अ लेटर, तो इसको जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सी सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड नॉट, सबके साथ में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में यही है, डिड नॉट यूज होगा। तो सी डिड नॉट, वर्ब क्या था, यहाँ पे रोट सेकंड फॉर्म में था, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, सी राइट अ लेटर, ओके। ये आते हैं इस एग्जांपल पे, ये दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, आई सा यू यस्टरडे, इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ये अफर्मेटिव था, तो इसको नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट हमने आई को ले लिया, सा सेकंड फॉर्म में है, लेकिन इसको जब हम यहाँ नेगेटिव में बनाएंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो आई डिड नॉट सा का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट यू यस्टरडे, ओके। आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, नेगेटिव के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यस नो टाइप में, तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब आपने क्या देखा था, डिड है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, फिर सब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज करेंगे, और वर्ब कैसी होगी, तो वी फर्स्ट ही होगी, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, ठीक। तो सब्जेक्ट हो गया, पहले ये आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट, और वर्ब किस फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में ही होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच टाइप में क्या होगा, तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो भी वर्ड होगा वो लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर आएंगे वी वन होगा, और ये कैसा होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यू वेंट, सॉरी, इसको इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए सबसे हम डिड यूज करेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो, छोड़ देते हैं, डिड यू, अगर वर्ब कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में, डिड यू गो टू डेली,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम दिल्ली गए थे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सी रोट अ लेटर हमने अफर्मेटिव में लिया था, इसको इंट्रोगेटिव में अगर बनाए तो पहले क्या होगा, यूज होगा, डिड यूज होगा, फिर सब्जेक्ट सी, और फिर रोट सेकंड फॉर्म में था तो उसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, सी राइट अ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसी तरीके से जब हम इसका डब्ल्यू एच टाइप बनाएंगे तो डब्ल्यू एच टाइप बनाने के लिए सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, जैसे हिंदी में अगर हमने हम कह रहे हैं सी सी राइट अ लेटर को अगर हम इंटरप्रेटिव में बनाया डब्ल्यू एच टाइप में तो उसने लेटर क्यों लिखा था, ठीक है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्यों के अंग्रेजी वाई लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा हमारा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा सी, फिर राइट अ लेटर, ओके क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक सेंटेंस होता है आपका हु वाला, कौन सा सेंटेंस, हु वाला, हु वाले जो सेंटेंस बनते हैं, हु से जो सेंटेंस बनता है उसमें क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगती है, इसी वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे कह दिया जाए तुमको इंग्लिश किसने पढ़ाया, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये जो हु से सेंटेंस जो बना, ये हु से सेंटेंस बना है, इसमें जो है डिड नहीं यूज हुआ है, इसी वजह से वर्ब की ये सेकंड फॉर्म में आ रही है, आ गया है, और फर्स्ट फॉर्म में नहीं है। ये डब्ल्यू एच वर्ड एक ऐसा है वर्ड हु जो जिसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म, कैसी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म वी टू में जा रही है, ठीक है, एक बार समझ में, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद पे आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें भी क्या होगा, हिंदी के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिसके वाक्य में अंत में रहा था, रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, उसी तरीके से यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, मतलब जो काम होगा, जो भी एक्शन होगा वो जारी होगा कहाँ पे, पास्ट, मतलब जारी था कब, पास्ट में। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे वो पढ़ा रही थी, या मैं गाना गा रही थी, जो भी एक्शंस हो गए वो पास्ट में कंटिन्यू हुए होंगे, ठीक है, तो ये कंटिन्यू होंगे, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब कंटिन्यू होगा लेकिन कब, पास्ट में, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, तो पहचान में जैसे रहा था रही थी, रहे थे, ठीक है, इस तरीके से हिंदी के जो जितने सारे सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में ये आएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी, मतलब जो भी एक्शन होगा वो गोइंग ऑन होगा कब, इन पास्ट, मतलब जो भी एक्शन होगा वो पास्ट में हो रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर इसका फार्मूला देखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा था इज एम आर लग रहा था, उसी तरीके से यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर जाएगी, वाज और वर लगेगी, फिर कंटिन्यूअस मतलब वर्ब कौन सी होगी, वी फोर होगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, मतलब वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे I was reading a novel, ठीक, you were going to school, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपने प्रेजेंट में देखा था कि आई जो है ये प्लूरल में जा रहा था, और यहाँ पे ये आई के साथ हमने वाज लगा रखा, तो देखिए आई यू दे और वी, ठीक, ये जो होंगे और जो अदर होंगे प्रॉपर नाउन उनके साथ में यहाँ पे हम वर यूज करेंगे, लेकिन आई सी ही इट इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आई जो है सिंगुलर में आ रहा है, तो इसी वजह से हम आई के साथ में क्या यूज किए हैं, वाज यूज करे हैं, ठीक, क्लियर। आई वाज रीडिंग अ नॉवेल, सब्जेक्ट पहले हो गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वाज हो गया, फिर वी फोर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हो गया, फिर ऑब्जेक्ट अ नॉवेल हो गया। जैसे यू वेर गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वी फोर हो गया, ठीक।
यू वेर गोइंग टू स्कूल. क्लियर. नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव के बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे. नेगेटिव सेंटेंस का इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर. ठीक है. उसके बाद में हम नॉट लगा देंगे, फिर वी फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक. जैसे एग्जांपल, आई वाज सब्जेक्ट, फिर वाज में से वाज, फिर नॉट लगाएंगे आई वाज नॉट. ठीक है. वाचिंग टीवी. ओके. आई वाज नॉट वाचिंग टीवी. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज है, वर्ब में से वाज हो गया, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट हो गया, फिर वी फोर हो गया वाचिंग, फिर टीवी. ठीक है. फिर आते हैं दूसरे सेंटेंस पे. जैसे यू वेर रीडिंग, यू वेर रीडिंग नॉवेल. ठीक है. इसमें नेगेटिव वर्ड हमने नहीं लगाया, तो यू वेर नेगेटिव वर्ड कहाँ यूज करेंगे? यहां यूज करेंगे. यू वेर नॉट रीडिंग नॉवेल. ठीक है. ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका. आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, यू वेर नॉट रीडिंग नॉवेल. क्लियर. फिर आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नॉट आई रूल हम फॉर्मूला देख लेते हैं. इसका फॉर्मूला तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से हम सबसे पहले वाज वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर अगर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं. फिर वर्ब, वर्ब कौन सी होगी? वी फॉर्म में होगी. फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे इसी का आई वाज नॉट वॉचिंग टीवी, इसका अगर हम यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम वाज रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे आई, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, फिर वॉचिंग टीवी क्वेश्चन मार्क. अगला सेंटेंस जैसे यू आर नॉट रीडिंग नॉवेल, तो इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो हम वर्ब पहले लेंगे वर, फिर सब्जेक्ट लेंगे यू, फिर नॉट, फिर रीडिंग नॉवेल, फिर क्वेश्चन मार्क. क्लियर. आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.